हमसे बड़ा मेहमान कोई है क्या? लेकिन हमने ही खोल डाले। और लेडीज भीम, लेडीज भीम तो अगर आपको मेरे भाई के अकाउंट से पैसा निकालने हो तो मैं आपको पिन और अकाउंट नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल कैश लाइफ विद अंकित में। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मोटू, ओ मोटू, ओ गोलू। सबने कर लिया है नाश्ता, अब बचाऊं सिर्फ मैं और मैं चल के करता हूँ नाश्ता। नाश्ते में हरी सब्जी, चून की रोटी और ये बची कुछ सब्जी मेरे लिए रख दी यहाँ पे। अब हम जा रहे हैं, भाई और मैं जा रहे हैं कुछ काम से बाहर और थोड़ी देर में आते हैं, एक घंटे में। फाइनली 3.5 घंटे सरकारी दफ्तर में गुजारने के बाद, स्पेशली पोस्ट ऑफिस में, जो कि वर्स्ट, ऐसे बोलते हैं वर्स्ट सर्विसेज। हमें तो लग ही नहीं रहा था आज हम घर आ पाएंगे वहाँ लाइन से हटके, पर फाइनली हम आ गए हैं घर पे। और घर पे देखते हैं दिन में आज खाने की क्या तैयारी हो रही है। सरकारी दफ्तर से आने के बाद कुछ राहत मिली है ये सुन के कि आज राजमा बन रही है किचन में, तो अभी ये राजमा की तैयारी हो रही है और साथ में रखे हुए चावल। तो आई होप कि राजमा अच्छी बनेगी, तो राजमा जो है अच्छी बनने वाली है, ऐसे भाभी की मन मन मुस्कुराहट से पता लग रहा है। तो अब गर्मी से फाइनली राहत पाने के लिए हम जो है रूअफ़ज़ा पी रहे हैं। बाहर से आए तो डुग्गू तो अपना मस्त सोरखा एकदम। तो हम सब ने रूअफ़ज़ा पी लिया है, भाभी के लिए बचा कर भाभी अब रूअफ़ज़ा पी लिया है। तो भाभी बताएगी कि रूअफ़ज़ा मैंने बनाया कैसा हो रहा है। रूअफ़ज़ा एकदम घटिया और बहुत मीठा हो रहा है। कट कट ये वीडियो कट। बहुत ही गंदा और बहुत ही मीठा, और जो मैंने बोतल मंगाई थी उन्होंने आनी बोतल एक ही बार में साफ कर 200 रुपए वापस। अभी हम पोस्ट ऑफिस गए थे तो बहुत पैसा पड़ा है, तो बैंक वाले कह रहे हैं निकाल लो यहाँ से बाहर। तो अगर आपको मेरे भाई के अकाउंट से पैसा निकालने हो तो मैं आपको पिन और अकाउंट नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से निकाल ले जाके। डाल के हम भूल गए थे नोटबंदी टाइम पे, तो करोड़ों ही है तो बहुत पैसा पड़ा हुआ अंदा। यहाँ पे चिप्स खाए जा रहे हैं बिना बेटे को दिए हुए, अपने आप चिप्स में लगी पड़ी मम्मी। ये नहीं कि बेटे से पूछ लो, थोड़ा इधर भी दे दो। और उधर जो है डुग्गू उठ चुकी है, दादा पोती आपस में खेल रहे हैं उधर कोने में। मोटू उठ गया तू? मोटू ओ मोटो ओ गोलगप्पू। पीन वाइज जो है राजमा बन रही है, तो मैं मम्मी से पूछा था कि गांव में भी राजमा बनाते थे ऐसे पहले टाइम नहीं, तो लोगों के पास खाने के लिए होती भी थी राजमा गांव में। पहले लोग फाड़ू और ये झुंगुर, ये कोदू, यही सब खाते रहते थे। राजमा की खिचड़ी, राजमा की खिचड़ी बहुत टेस्टी होती है दोस्तों। अभी भी पता लगा राजमा की खिचड़ी भी होती है गांव के, लाओ और यहाँ से बनाई और टेस्ट नहीं आएगा, बनाते यहाँ भी बना दो तुम, कोई बात नहीं। हमें टेस्ट चाहिए, हमें टेस्ट चाहिए, टेस्ट चाहिए ना। मकान का राजमा चावल की खिचड़ी खा रहा था, ये थका दिया था उसको। तो अगर तो अगर चाची ये वीडियो देख रही है तो कमेंट में जरूर बताना कि अगर आपने ये वर्ड सुना। आदा के पराठे थे बड़ी चाची के लिए पोलियो। अच्छा, नीलम चाची पोलियो खाती नहीं थी, पोलियो बिना जुगार बिना। तो क्या ये बात सच है चाची? कमेंट करके जरूर बताना। आजकल हो गया, मतलब आजकल तो खैर गांव में भी सेम ही होगा सब कुछ, जो सिटी में है वो गांव में भी है। पाड़ू की चौड़ी और क्या बोलते हैं वो फ्लो, बहुत फेमस है गांव का। अपनी गाय भैंस के लोग दूध निकालते हैं, लोग छान छोड़ते थे, अपने आप बनाते थे लोग घर में। हाँ वो तो है, उस चीज में उस टाइम पे मजा भी था। अब तो खैर सब टेक्नोलॉजी आ गई है, तो अब कोई नहीं कर रहा है सब चीजें। रोटी बनाने की मशीन आ चुकी है गाँव में, इंडक्शन आ चुका है गाँव में, जो की हमारे यहाँ आज तक नहीं आया इंडक्शन अभी, लेकिन गाँव में पहुँच चुका है। तो एक कहा बताइए बहुत अच्छी, वो सिर्फ गढ़वाली, उसका मैं हिंदी ट्रांसलेशन नहीं बताऊंगा, उसका सिर्फ जो गढ़वाली है वही पहचान पाएंगे इस चीज को। इसका मीनिंग मैं आपको नहीं बता सकता हिंदी में, तो ये सिर्फ गढ़वाली लोगों को पता होगा। जैन जैन क्या जैन हगन बेबड़ी पतंग है हम लोग को जानो ही था। हां जो मतलब जो फ्री में खाना जिसको पसंद आ गया वो मेहनत नहीं करेगा, उसका सार ये है। मतलब ऐसे खाना हो चुका है रेडी और अब चल के खाते हैं राजमा चावल। तो मैं आपको बता दूं कि मेरी भाभी राजमा चावल में भी एक्सपर्ट है, राजमा ही बहुत अच्छा बनाती है भाभी। ओ वाओ, साथ में रायता भी है। जैसा ये देख रहा है ना, ऐसा ही पेट हो चुका है मेरा खा खा के, गर्म है यार ये बहुत, उठाई बिन जाए दोनों हाथ से पकड़ने पड़ेगा अभी। तो अब चल के खाते हैं खाना। तो जब तक हम खाना खाते हैं, ये मोटू को जो हम पानी पिला रहे हैं, दूध ये ऑलरेडी पी चुकी है। हेलो दोस्त, खाना खा रहे हैं, बाद में मिलते हैं। बाद में कहां मिलते हैं, यही तो है, शाम को मिलते हैं, शाम को भी मिलेंगे, अभी मिलेंगे। सबको हमने जो है वॉकर पे शिफ्ट कर दिया, तब हम खाना खा लेंगे आराम से, तू ऐसे ऊ करती रहे ठीक है। तो खाना हमने खा लिया है और वानी का सिर्फ खिलौना ही दिख रहा है, वानी नहीं दिख रही। अच्छा ये रही वानी, यहाँ घूम रही है किचन में, घुस रही है बार बार ये। यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, डुग्गू यहाँ पे आ गई और डुग्गा। तो शाम का टाइम हो चुका है और बन रही है चाय, और आज मम्मी चाय बना रही है, मम्मी एक्सपर्ट है चाय बनाने की। चाय बनके रेडी हो चुकी है और साथ में है बिस्किट, बहुत महंगे वाले बिस्किट, खूब अंधा पैसा उड़ाया जा रहा है। जो मैं लेकर आई थी मार्केट से, तो ये कुछ खाने में। हाँ ये एक्चुअली में बहुत टाइम, वैसे पार्ले जी और वो क्या होते हैं गोल गोल से, यही सस्ते से बिस्किट आते हैं, लेकिन आज जो है महंगे वाले बिस्किट खोले हमने। फाइनली हमने जो है मेहमानों के लिए रखेंगे, लेकिन
हमसे बड़ा मेहमान कोई है क्या? लेकिन हमने ही खोल डाले। तो ये आ गया हमारा पिटारा, इसमें है रस, फैन और नमकीन, जो बच जाती है वो हम इसमें डाल देते हैं। तो पापा जो है डुग्गू को अंदर से लेके आ गए। डुग्गू सो रखा था हमारा। डुग्गू डुग्गू और हमने डुग्गू को तैयार किया है, बहुत ही अच्छी लग रही है, प्रिंसेस लग रही है वो एकदम। अब मैं आपको उसकी कुछ फोटोज दिखाता हूँ और पोज तो वैसे भी खुद बना रखे हैं उसने। फाइनली डुग्गू का फोटो शूट हो चुका है पूरा। तो मम्मी और अच्छे के बाहर से, मम्मी पापा गए थे डॉक्टर के पास, मम्मी को डॉक्टर पे दिखाना था। यहाँ पे मम्मी जो है डुग्गू को खिचड़ी पिला रही है। तो डुग्गू जो है और वो मांग रही है खिचड़ी और लेडीज भीम, लेडीज भीम नाम रखा है मैंने इसका। ये डुग्गी का नया हेयर स्टाइल, ये एंटीना नेटवर्क पकड़ता है, एयरटेल की सिम किसी के पास हो तो यहाँ से नेटवर्क आ सकते हैं। ये राजपाल यादव की बना हुआ भूल भुलैया। मोटू कहीं भी घूमता रहता है, अपने आप ही आ गया, अपने आप उधर से रूम से हॉल से इधर आ गया रूम में। हमारा डुग्गू जो है आलू पे आलू खा जा रहा है, एक आलू दूसरे आलू को खा जा रहा है। पूरा कटोरा खत्म कर दिया इसने आलू का, दांत से मेरे हाथ में उंगली को काट रहा है और आलू खा खा के आलू हो गया है। उछल मत, निकल जाएगा नीचे से आलू। अब मिल गई, अब निकाला, मिर्च लग गई। तो अब हो रही है रात के खाने की तैयारी। रात के खाने में मेरे पास बीन्स बन रहे हैं, जो कि बहुत ही घटिया लगता है मेरे को, बीन्स खाना मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। अभी मैं बीन्स बना रही हूँ, भाभी जो है सब्जी जो बहुत ही अच्छी बनाती हो सकता है, मैं बीन्स का जो है नाम भी सुनना पसंद ना करूँ आगे से। दोस्तों अभी मम्मी और पापा जा रखे थे पुराने वाले घर में, ऐसे कह रहे सफाई करने पौधों में पानी डालने के लिए, क्या करना हमने चाहिए। और ये हो रही है सुबह की तैयारी, मूली की सब्जी बनाएंगे। मोटू भी आ चुका है हमारा, अभी सो रखा था। और ये मोटू जो है मैं परेशान करेगा, हम खाना खा रहे हैं। अब हो चुका है डिनर टाइम और मैं भी जाके करता हूँ डिनर। मेरे लिए तो दिन की राजमा है, क्योंकि मैंने जो बचा रखी थी अपने लिए, मुझे पता था रात में आज जो है बीन्स बनेंगे, तो बीन्स मैं खाता नहीं हूँ। तो अब चल के खाते हैं डिनर। खाना हो चुका है पूरा और अभी अभी पता लगा है हमारे यहाँ दुल्हन आई है, दुल्हन बन के बैठ रखी है यहाँ पे, और दुल्हन। तो मैं करता हूँ इस वीडियो को एडिट और मिलता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बाय बाय। ये गांव की दुल्हन है, चढ़ गई है माता रानी साड़ी पहन के, दुल्हन बन गई हमारी। अरे इसे क्या हुआ पहले ये तो बताओ, है वो वापस पलटने की कोशिश कर रही है लेकिन हो नहीं। सुमो रेसलर, ओए बन, अब बन मस्का दे देना दो। ओए मोटो क्या है नीचे, अभी कर दूंगा नीचे क्या है। तो अब खाना खाने के बाद मुझे नहीं पता मम्मी यहाँ साड़ी निकाल के बैठ गई, पता नहीं क्यों, क्या कर रहे हो मम्मी इसमें। रात को खाना खाने के बाद सुबह कर लेते, नई साड़ी है जो मम्मी साड़ी है। आप ज्यादा सपोर्ट नहीं करेंगे, सॉरी। ये नीचे का है। अरे वाह, ये भी नीचे का है, ये दोनों बीच के हैं। और ये भाई साहब किचन के बाहर घूम रहे हैं, लाला जी हमारे।